जुलाई 2024 को जलगांव शहर में हिट एंड रन की एक घटना सामने आई है, जिसमें महरून इलाके में मंगलपुरी में घर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही पांच महिलाओं को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृत महिला का नाम शोभा रमेश पाटिल है। इस हादसे में चार अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी सिलसिले में जानकारी है कि महरून इलाके में मंगलपुरी इलाके में कुछ महिलाएं अपने घर के सामने खड़ी होकर बात कर रही थी। एक महिला सड़क पर चल रही थी, उसी समय आज शाम को रामेश्वर कॉलोनी की ओर से तेज़ गति से आ रही कार MH05AS0574 ने कार चालक के नियंत्रण न रख पाने के कारण घर के सामने खड़ी महिलाओं को टक्कर मार दी। टक्कर में दूध ले जा रही शोभा रमेश पाटिल गंभीर रूप से घायल हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ मौजूद संगीता प्रकाश महाजन, जय श्री जगदीश राउत, सुमनबाई साहेबराव पाटिल, अर्चना पाटिल घायल हो गए। दो बच्चे भी घायल हो गए। एक महिला की गोद में मौजूद छोटे बच्चे को चोट भी लगी। इस घटना से इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और इन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर हादसे में शामिल कार का ड्राइवर पवन कैलाश पाटिल नौसिखिया है। हादसे के बाद नागरिकों ने उसे पकड़ लिया और मौके पर ही उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची MIDC पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि बताया गया है कि कार चालक रामेश्वर कॉलोनी इलाके का रहने वाला है। फिलहाल ये समझा जा नहीं रहा कि भीड़ की पिटाई के कारण कार चालक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये MIDC पोलीस स्टेशन हद्दीमधील रामेश्वर कॉलनी मेहरून परिसरात आज सायंकाळी 6:15 सुमारास एक अपघात घडलेला आहे। त्यातील जो वाहन वापरलेलं होतं, वाहन होतं होंडा सिटी कार, तिचा नंबर होता MH05AS0574। त्यावरील चालक पवन कैलास पाटील वय 25 वर्ष हा त्या कॉलनीतून जात असताना त्याचा गाडीवरील कंट्रोल सुटला आणि ब्रेक दाबण्याच्याऐवजी त्याच्याकडून ॲक्सिलेटर दाबल्यावर गेल्यामुळे हा अपघात घडलेला आहे। सदर अपघातामध्ये सुरुवातीला 3 महिला जखमी झाल्या, त्यानंतर गाडीवरील कंट्रोल सुटल्यामुळे एक शोभाबाई रमेश पाटील वय 65 वर्ष या महिलेला देखील त्या अपघातात मार लागला आणि ती महिला या अपघातात मयत झालेली आहे। सदर आरोपी हा जो चालक आहे पवन कैलास पाटील, याला पोलिसांनी ताब्यामध्ये घेतलेला आहे। त्याचं मेडिकल करून पुढील गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे। ज्या वेळेला अपघात झाला त्यावेळेला पब्लिकने त्या ठिकाणी थांबून जो आरोप चालक आहे तो आणि त्याची जी गाडी होती त्या गाडीमध्ये जे जखमी झाले होते त्यांना बसवलं, त्यांना ज्या चालकाला पोलिसांच्या ताब्यात दिलेलं आहे आणि ज्या जखमी झालेले होते त्यांना देखील त्याच गाडीमध्ये बसून हॉस्पिटलाइज केलेलं होतं। म्हणून जो बॅकग्राऊंड आहे सर, जो चालक आहे तो अकाउंटंट आहे आणि 25 वर्ष वयाचा आहे, तो देखील रामेश्वर कॉलनीमध्ये त्याच एरियात राहणारा मुलगा आहे। त्यांना किरकोळ जखमा आहे, त्यातील एक महिलेला डिस्चार्ज देखील देण्यात आलेला आहे, बाकीच्या 2 महिलांवर उपचार सुरू आहे। त्याला हिट अँड रन म्हटलं जाईल सर? हिट अँड रन म्हणण्यापेक्षा अपघात आहे, हा अपघात झाला आणि त्याला त्या ठिकाणावर ताब्यात देण्यात आला, जखमींना देखील त्याच्याच गाडीमध्ये हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आला।